बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARQ न्यूज़ और मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा चौधरी। आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जड़ावाला शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए सैनिटरी इंस्पेक्टर मिर्जा सज्जाद ने केनाल रोड पर सफाई का काम शुरू कर दिया। इस पर मजीद जानते हैं जड़ावाला से हमारे नुमाइंदे राना जहीर बाबर से। जी राना जहीर, तफसीलात फराहम कीजिएगा। बिल्कुल, इस टाइम मौजूद हूँ जड़ावाला में। जड़ावाला किनार रोड पे जो सूरत हाल है, इधर कूड़ा क्रिकेट जो सा था वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इस हवाले से हमारे साथ सेक्टरी इंस्पेक्टर मिर्जा सज्जाद साहब मौजूद है। इन्होंने AC की हदायत पर इसको रोड को भी कंप्लीट कर रहे हैं और सफाई का भी इंतजाम कर रहे हैं। इसी वाले से इनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया है। जनाब, इस तरह कि अपना किनार रोड की सूरत हाल बहुत ख़राब थी, कूड़े की जगह जगह पर ढेर लगे हुए थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर साहब शौकत संधू साहब, CO साहब, इनके हदायत पर जड़ावाला में सफाई का आगाज़ कर दिया गया है। और वर्ल्ड बैंक की तरफ से हमें जो मशीनरी मिली है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। जहां कूड़े के पॉइंट थे वहां कूड़ा ख़त्म किया जा रहा है और उस जगह पर बॉक्स को रखवाया जा रहा है ताकि बॉक्स वगैरह कंपैक्टर वगैरह उठाएं और अपना वहाँ से कूड़ा बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक जड़ावाला में हर तरह सफाई नज़र आएगी और जहाँ जहाँ कूड़े के ढेर होंगे उनको उठा दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर भी बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग हमारे साथ तआवुन कर रहे हैं। अगर तमाम लोग अगर कूड़ा वगैरह अगर बॉक्स में डालेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसकी सूरत हाल जड़ावाला की बेहतर हो जाएगी। और जगह जगह पर जो गड़े पड़े हुए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह इसको फिल किया जा रहा है। इंशाल्लाह ये चंद दिनों के अंदर अंदर पूरा जड़ावाला आपको क्लीन नज़र आएगा इंशाल्लाह। मैंने एक चीज़ देखी है, लोगों ने आपने बहुत गवर्नमेंट ने जो उनसे बड़ी हमायत की है, बॉक्स जगह जगह पर लगाए हुए हैं। हमारी आवाम जो उनसे इसका क्यों नहीं करी, वो बॉक्स भी पड़े हुए हैं, कूड़ा फिर साथ पड़ा हुआ है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, आवाम को ऐसा ऐसा समझा रहे हैं और ये आवाम का भी हक बनता है कि एक दूसरे को समझाएं कि अपना कूड़ा वगैरह बॉक्स के अंदर डालें ताकि गंदगी ना फैले और मच्छर वगैरह पैदा ना हो। गवर्नमेंट ने हमें जो सहूलियत दी हैं उनसे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अपना जड़ावाला साफ़ सुथरा रहे। हम लोग भी दिन रात हाज़िर हैं, लेकिन आवाम भी अगर तआवुन करेगी तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि आवाम जो है वो आवाम को भी चाहिए। अब गवर्नमेंट तो एहसास कर रही है, आवाम जो है वो हमारे साथ कुछ कोऑपरेट नहीं करी। हम आवाम से रिक्वेस्ट की हदायत पर जो सड़क है इसको भी कम्प्लीट किया जा रहा है। जी